नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव होने वाले, इसको लेकर के जो है आज शशि थरूर पहुंचे थे एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जो है एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। उनके स्वागत जो है यहाँ कार्यकर्ता भी पहुँचे थे, लेकिन यहाँ देखा गया कि जो बड़े नेता जो है वो नहीं पहुँचे थे। पहले सुने उनकी बातों को, वो कुछ कह रहे हैं। जी जी, देखिए लोगों से संपर्क करने के बाद बात करेंगे। आरोप रहता है कि कोई बड़े नेता आपके स्वागत में नहीं रहते। कोई बात नहीं, कोई आरोप नहीं। चलिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज, वहाँ मिलेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि जो कोई दिक्कत नहीं है, हम आए हैं मोदी जो है आश्रम पहुंचने के बाद ही कुछ कर पाएंगे। कांग्रेस का जो है कार्यालय पहुँच के ही वो सारी बातों को रखेंगे। उससे पहले उन्होंने साफ से कोई परेशानियों की बात नहीं है, कार्यकर्ता हैं, इसी में हम खुश हैं। और जिस तरह से जो है अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है, इससे पहले भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी 11 को पहुंचे थे, उसके बाद जो है शशि थरूर भी आज पहुंचे हैं। इसको लेकर के चुनाव की तैयारियां भी चल रही है। इससे पहले जो है आपको बता दें कि 24 से 30 सितंबर तक जो है अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन होना था, उसके बाद जो है 17 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद जो रिजल्ट भी जो है 19 अक्टूबर को भी आ जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से ये चुनाव होने वाले हैं, रणनीतियां जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक तरफ बना रहे हैं, दूसरी ओर जो है शशि थरूर भी जो है पूरी जोर शोर से वो तैयारियां कर रहे हैं। इसको लेकर के जो है आज बिहार पहुंचे और जो है लोगों से मिलेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारी बातों को रखेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अध्यक्ष पद का चुनाव कौन जीतता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर बने रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।